तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो आज मैं उस वीडियो में बनाएंगे ये वाले मंचूरियन। ये ड्राइड मंचूरियन है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ड्राई मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले ये लिए मैंने पत्ता गोभी, ये 350-400 ग्राम के बीच में। इसको एकदम बारीक काटा मैंने। आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं, आप इसको मिक्सी में चला सकते हैं, या फिर आप एक ऐसा चॉपर ले सकते हैं। तो हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे अपने। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसके अंदर। आधे से थोड़ा ज्यादा चम्मच डाल दिया मैंने तो। अब आधा चम्मच इसके अंदर हम लाल मिर्ची को डालेंगे। थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं आप। इसके अंदर आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे पाउडर। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच अरारोट पाउडर। तो 2 बड़े चम्मच मैदे के डाल देंगे। इसकी क्वांटिटी आपकी मैच नहीं करेगी मेरी क्वांटिटी के साथ, मतलब ये हमेशा डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है आपकी गोभी कितना पानी छोड़ती है। तो इसको हाथों से हम अपना मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसको एकदम आटे की तरह बनाना हमें। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल आटे की तरह बन चुका है। तो अगर आपकी पत्ता गोभी बाई चांस पानी नहीं छोड़ती है तो थोड़ा सा आप 1 चम्मच इसके अंदर पानी भी डाल लें, और मेरे 4 चम्मच अरारोट के डाले हैं, 4 चम्मच मैदे के डाले हैं। आपकी क्वांटिटी डिफरेंट भी हो सकती है। आप देख सकते हैं इसकी बॉल बन रही है, यानी हमारा डो बिल्कुल बढ़िया बना है। इसकी जल्दी से बॉल्स बना लेता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं मेरी बॉल्स बन चुकी हैं। मेरी 20 बनी है क्योंकि मैंने साइज काफी बड़ा रखा है। अगर आप ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाएंगे तो आपकी कम भी लग सकती है, मतलब ज्यादा बन सकती है। और आप ग्रेवी वाली मंचूरियन की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको आई बटन में दिख जाएगी। हो तो गैस पे मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म रख दिया है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके अंदर हम छोटा सा पीस डाल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फटानी है। इस पीस को निकाल लेते हैं हम। अपनी मंचूरियन की बॉल्स डाल देते हैं इसके अंदर हम। तो एक बारी में आप जितनी मर्जी डाल सकते हैं, आपकी कढ़ाई के साइज पर डिपेंड करता हो। और ध्यान रखिएगा आपको डीप फ्राई करना है। तो इसको एक बार हम हिला लेते हैं अच्छे से ताकि आपस में चिपके ना।
गैस हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखनी है। अब देख सकते हैं हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। तो मेरा तेल काफी गर्म था, पहले मैंने गर्म कर लिया था, इसको प्री हीट कर लिया था, तो ये थोड़े जल्दी हो गए हैं मेरे। अभी हम बिना नैपकिन के प्लेट पे निकालेंगे इनको, क्योंकि हमें दो बार फ्राई करना है इनको। अब देख सकते हैं मैंने ज्यादा ब्राउन नहीं करे, अभी ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, अभी मैंने बाहर से क्रिस्पी बनाना है। तो मैंने एक बार कर लिया फ्राई और एक प्लेट में मैंने नैपकिन रख लिया। अब इसको एक ही बारी में डाल देंगे सारी बॉल्स। गैस हमें बिल्कुल हाई रखनी है जिससे कि जल्दी जल्दी ब्राउन हो हमारे। इसको हम देते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं अच्छे से डार्क ब्राउन हो चुके हैं और काफी हार्ड भी लग रहे हैं इसमें स्ट्रेनर में, यानी अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। और फ्रेंड्स एक चीज और, मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप मतलब एक कैटेगरी वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने वो बनाई है, जैसे आपका चाइनीज फूड होगा, या फिर आप इंडियन फूड देखना चाहते हैं, या कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो देखना चाहते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार आप जरूर चेक करें उनको। मैं आपको आई बटन में भी दे देता हूँ एक बार लिंक उनका। अब इसकी सॉस बनाएंगे हम, तो मंचूरियन की सॉस बनाने के लिए मैंने बारीक प्याज काट लिया एक बड़ा, और 5 से 6 लहसुन की कलियां काट ली मैंने बारीक। एक सॉस पैन लिया मैंने, अब इसके अंदर हम 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल का डालेंगे, जिसमें हमने फ्राई करा था वही वाला यूज कर लें, आपका जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि वो ऑयल पहले से ही गर्म है। 4 चम्मच डाल दिए मैंने, मैंने पैन थोड़ा पहले गर्म कर लिया था इसलिए मेरे जल्दी हो जाएंगे। गैस फुल रखनी है अभी हमें। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब लहसुन की कलियां डाल देंगे इसके अंदर हम, ये कुछ बड़े पीस भी आएंगे इसमें, तो इनको निकाल दूंगा मैं। तीस से 40 सेकंड इनको फ्राई करना है वरना जल जाएंगे ये। गैस हमारी फुल है तो इनको हिलाते रहना कंटिन्यूअसली। तो मैंने बड़े बड़े पीस निकाल दिए बाहर, तो अब देख सकते हैं लहसुन भी अच्छे से हो चुका है। अब इसके अंदर अब हम डाल देंगे अपनी प्याज, तो प्याज डाल देंगे सारे हम इसके अंदर। तो प्याज को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गैस फुल पड़ी है हमारी। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर सॉस डालेंगे हम तो वो सॉस हमारे पैन में नीचे ना लगे, इसलिए पानी डाल रहे हैं। पानी नहीं डालेंगे तो सॉस नीचे लग जाएगी, चिपक जाएगी और वो थोड़ा जले वाला टेस्ट आ जाएगा। इसके अंदर 1.5 चम्मच सोया सॉस का डालेंगे हम,
दो चम्मच टोमेटो केचप के डालेंगे, और एक चम्मच हम डालेंगे रेड चिली सॉस का। अच्छे से मिला लेंगे हम पानी के अंदर इनको। तो पानी और डाल देते हैं थोड़ा, बाद में अगर ज्यादा हो गया तो हम अरारोट का मिक्स डाल के करेंगे। इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आप स्वाद अनुसार डालें अपना। आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, इनको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। एक बार बॉईल होने देते हैं। फ्रेंड्स आप इसमें सब्जियों में गाजर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं साथ में। अब इसके अंदर अपने मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे सारी हम। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसके अंदर और एक्स्ट्रा, ताकि सॉस अच्छे से इसके ऊपर कवरिंग कर ले, अपनी लेयर बना ले। इसको एक बार बॉयल देते हैं। हम देख सकते हैं मंचूरियन रेडी है। गैस को बंद कर देंगे। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। आज की वीडियो में इतनी ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में बताएं क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।